हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमी सिटी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो बच्चे आईएमयू कैंपसेस में एडमिशन ले रहे होंगे उनको क्या क्या चीजें लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो कॉलेज आपका ऑफलाइन खुल जाएगा या तो आपका पहला या दूसरा सेमेस्टर ऑनलाइन ही हो रहा होगा, जैसे पहले बैचेस का हुआ है। तो ठीक है, जैसे मेरे साथ दो बच्चे हैं अभी, आप देख सकते हो, दो कैडेट बोलूंगा आप तो मैं, खैर इन्हें तो एक, दोनों ही आईएमयू कोलकाता कैंपस के हैं, सेकंड ईयर में आ चुके हैं ये लोग, बीटेक मराइन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पिछले एक साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करी है, क्या क्या चीजें इन लोगों के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट रही हैं और क्या क्या चीजें इन लोगों के लिए यूजलेस रही हैं अभी तक के लिए। अभी तक के लिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आईएमयू के प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें लिखी आती है कि आपको शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, शूज खरीदने हैं, या काफी सारी चीजें और लिखी हुई आएंगी वहां पे। तो उस चीज के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे, क्या क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसके तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरी लिस्ट में है वो है लैपटॉप। भाई लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है ये बता दो मेरे को, अमन पहले तुम बता दो। सर लैपटॉप अगर देखा जाए तो सर जो क्लासेस है, क्लासेस तो सर हम मोबाइल के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं, बट सर अगर हम वैसे देखा जाए कि क्लासेस में अच्छे से करने का, तो सर बिगर स्क्रीन से सर सही से पता चल जाता है, और सर सेमेस्टर एग्जाम के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर लैपटॉप हो ही जाता है, तो सर एक लैपटॉप होना मस्ट चीज है सर। अच्छा, लैपटॉप की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की इतने इतने, अगर कोई बच्चा नया लेना चाह रहा है या उसके पास पुराना भी रखा है तो ये हो तो काम चल जाएगा उसका? सर बस इतना होना चाहिए कि फंक्शनल हो और ज्यादा हैंग या लैग इशू नहीं हो रहा होगा सर। तो 4 GB रैम हो उसमें, 256 GB के आसपास स्टोरेज हो, चलेगा, इतने में काम चल जाएगा उसका? यस सर। और फिर उसका कैमरा भी होना चाहिए, वेबकैम नहीं हो तो अलग से ले ले, पर एक वेबकैम होना चाहिए उसको। यस सर, वेबकैम वाला तो सर इम्पोर्टेंस है। यस एजुकेशन, तुम्हारे हिसाब से कुछ पॉइंट जो मिस कर रहा हूं अमन वो तुम बता दो भाई। सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैपटॉप तो अमन ने इंक्लूड कर लिया, दूसरा हो गया कैलकुलेटर जो कि हम यूज करेंगे एग्जाम के टाइम, और फिर जनरल क्लासेस अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो एक वाइट शर्ट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास के टाइम कोई भी फैकल्टी बोल देता है कि कैमरा ओपन करने को, तो आईएमयू में ये रूल मस्ट है कि ऑलवेज बी इन फॉर्मल ड्रेस, सो एक वाइट शर्ट तो होना जरूरी है। और कभी कभी कोई अगर तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस तो उसमें भी तुम्हें फॉर्मल में होना जरूरी है, और एक शेविंग किट, क्योंकि बस ये 3 या 4 चीजें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस के लिए 4 चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके पास शेविंग किट हो जानी चाहिए क्योंकि कभी भी आपका प्रोफेसर या फिर आपकी फैकल्टी चेक कर सकते हैं आपने शेव कर रखी है नहीं। एक व्हाइट शर्ट ले लेना आप लोग जरूरी, क्योंकि फॉर्मल पैंट्स तो होगा उसके बाद व्हाइट शर्ट मुश्किल होती है, क्या पता स्कूल की हो, नहीं है स्कूल की तो ले लो एक, ठीक है, वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के टाइम हमेशा काम आएंगी। मैं तो कहूँगा 2 ले लो, एक दिन पहन लिया और एक दूसरे दिन, ठीक है, अगर वो गंदा हो गया तो। बाकी इसके बाद आप एक लैपटॉप ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, पुराना भी रखा है और ठीक ठीक चलता है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हैंग वैंग होने में, इंटरनेट चल जाता है, चल 4-5 घंटे चल जाता है बिना चार्जिंग वार्जिंग के भी, या चार्जिंग में भी लगा रखा है तो ओवरहीट होके बंद नहीं होता है घंटे में, ठीक है। तो एक लाइफ होनी चाहिए उसके 4 घंटे की, चाहे चार्जिंग के साथ होता है बिना चार्जिंग के साथ हो, 4 घंटे वो चलना चाहिए लगभग उसके आसपास, ठीक है। और उसके बाद एक कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि कैलकुलेशन जो होंगी आपकी अजीब अजीब से होंगी, sin 27 पूछ लेंगे आपसे, sin 33 की वैल्यू निकलवाने लगेंगे, sin 0.5 की वैल्यू निकलवाएंगे, tan 0.5, ठीक है। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे, क्योंकि ठीक है मोबाइल फोन तो है आपके पास पर एग्जाम में क्या यूज करोगे, तो एग्जाम मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर में एक फॉर्मेट होता है जिसपे आप याद हो जाता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल पर प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में जाएंगे कैलकुलेटर पर तो वहाँ उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो वहाँ पर बड़ी इशू होगी आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आपने फोन पर प्रैक्टिस कर रखी है कैलकुलेशन करने की और एग्जाम में जा रहे हैं तो फोन तो अलाउड है नहीं वहाँ पे, कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर का जो इंटरफेस है वो बहुत डिफरेंट होता है फोन के इंटरफेस से, ठीक है। तो वहाँ आपको एक थोड़ा सा इशू रहेगा कि ये चीज़ कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि साइन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो गए वहाँ भी चल के आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। अगर थ्रू आउट इंजीनियरिंग आपको कैलकुलेटर काफ़ी काम आएगा, तो इसे यूज़ करना पहले ही सीख लें वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं पढ़ाई के ऊपर, ठीक है।
ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई बच्चे कैसे करते हैं, ठीक है? तो किशन थोड़ा तुम बताओ, तुम्हारी परसेंटेज भी 88-89 आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि तुमने कैसे अपना चीजें हैंडल करी। सर तो बेसिक यही है कि जो जिस दिन जो टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बस उस दिन 1 या 2 घंटे उस टॉपिक को देख लो, या तो तुम यूट्यूब पे देख लो, सेल्फ स्टडी कर लो जो तुम्हें बुक प्रोवाइड करेंगी कॉलेज, या कोई और अदर बुक तुम प्रिफर भी कर सकते हो। तो बेस्ट यही होता है कि यूट्यूब से तुम कॉन्सेप्ट देख लो, या अगर तुम्हारे क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे तो वेल एंड गुड, और फिर जो भी बुक मिल रही है उससे तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हाँ, जैसे कि जितना मेरे को इससे याद है काफी मदद मिलेगी। मैथमेटिक्स के लिए एक चैनल चलता था, क्या बोलते हैं, भगवान सिंह करके शायद नाम है उनका, कुछ टाइप से चलता है, तो वो पूरी मैथ्स उन्होंने पढ़ा रखी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है क्लास में किसी वजह से भाई, कि नेट नहीं चल रहा आपका, क्या मिस हो गया, कुछ हो गया, या आपको क्विक रिविजन भी करना, तो उनके चैनल से आपने कर लिया फटाफट। और उसके बाद शायद मैकेनिक्स तो आपकी 11th 12th वाली होती है पहले सेमेस्टर में, और इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही रहता है, पर इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। आपका थर्मोडाइनमिक्स पूरा एक्सप्लेन्ड है यूट्यूब पे ऊपर से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा टफ चैप्टर है भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। स्टार्टिंग के जो इनिशियल्स हैं वो थोड़े आसान से हैं, जो आपके 12th में लास्ट चैप्टर था वो आपने रिवाइज कर लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और थर्मोडाइनिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो आपने स्कूल में पढ़ा था उनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, वो एक बेसिक क्रिएट कर देगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वरना आगे दिक्कत होगी थोड़ी सी आपको, तो थोड़ा सा उसमें एडवांस ही जा रही होंगी वहां से, ठीक है? और बाकी यूट्यूब पे लगभग सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ, ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा। और किताबें मिल जाती हैं आईनू से, जैसे ये आपको तो एडमिशन के टाइमिंग मिल गई है इस बार, बाकी पहले क्या होता था 1 हफ्ते 10 दिन या 20 दिन बाद मिलती थी। हर सेमेस्टर में लगभग 1 महीने के अंदर मिल जाती हैं किताबें आईनू से, अगर चीजें ऑनलाइन ही रहती हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद पढ़ाई का बता ही दिया किशन ने लगभग चीजें, ठीक है? तो जल्दी हमारी वीडियो आ रही होगी एक सर के साथ, शैलेश यादव है उसका नाम, और उनकी 4th रैंक थी हमारे बैच में, तो वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी जब ऑफलाइन चीजें चल रही थी, ठीक है? बाकी सर क्या बोलते हैं, करिकुलम भी चलता रहता है कॉलेज का, तो काफी डिफिकल्ट होता है, उस टाइम कैसे मैनेज किया था हम लोगों ने, ठीक है? और ज्यादातर चीजें किशन ने एक्सप्लेन कर दी, अमन ने एक्सप्लेन कर दी आपको पढ़ाई के बारे में भी, और क्या क्या चीज आपको खरीदनी है, ठीक है? और जो मैंने क्या बोलते हैं ऑफलाइन की चीजें हैं वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है? उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, कि ये यहाँ पे जाके क्लिक करके देख लेना, पूरा 10-12 मिनट का समझाया हुआ है कि अगर आपके कॉलेज ऑफलाइन खुलते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सिटी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।